नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं जिसका नाम है वी द विमेन ऑफ इंडिया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। क्या है ये पॉक्सो एक्ट? ऐसा क्या हुआ जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एक्ट लाना पड़ा, और इसका प्रोसीजर क्या था, मतलब ये लाया कैसे गया? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से पहले इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। कुछ लॉस थे जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर लॉ हो गया, या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हो गया, जो कि चिल्ड्रंस के लिए बनाए गए थे लेकिन ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के एम्बिट को कवर नहीं करते थे। आईपीसी के अंदर सेक्शन 354, 375, 377 के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर करी जाती थी लेकिन वो एक चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट नहीं था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर स्टेट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो वुमेन से रिलेटेड और चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेकर आए। आर्टिकल 39 ये हर स्टेट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉलिसीज लाएँ जिससे कि चिल्ड्रन का वेलफेयर हो, उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। और कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है जैसे कि कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको इंडिया ने रेक्टिफाई करा था 11 दिसंबर 1992 में, जिसके बाद इंडिया बाउंड था कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाएं जो कि चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। 1993 के अंदर एक वियना कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी ये सेम कंसर्न सारे मेंबर्स की थी कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर कुछ लॉज बनाए जाएं। पॉक्सो एक्ट के आने के पीछे एक मेजर रीज़न रुचिका गहरोत्रा केस भी था, जिसमें एक 15 ईयर की माइनर को मॉलेस्ट करा गया था। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2010 लाने का डिसीजन लिया, जिसमें कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और उन चेंजेस को उन्होंने स्क्रूटिनाइज कराने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए उस बिल को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को दिया। NCPCR ने उस बिल को रिजेक्ट करके एक नया बिल इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम पॉक्सो बिल 2011 था। पॉक्सो बिल 2011 को प्रेसिडेंट की कंसेंट 2012 में मिली और चिल्ड्रंस डे के दिन 14 नवंबर 2012 को ये बिल एक्ट बन के इंडिया में इन्फोर्स हो गया। ये सारी चीज़ें जैसे कि आर्टिकल 15, UN कन्वेंशन, ये सब रीजंस थे बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ दिस, और ये सारे के सारे रीजंस इस एक्ट के प्रीएम्बल में भी मेंशन है। इस एक्ट के प्रीएम्बल में ये भी लिखा हुआ है कि ये एक्ट चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉर्नोग्राफी। तो हमने ये तो देख लिया कि इस पॉक्सो एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी और ये लाया कैसे, पर अब हम ये देखेंगे कि ये पॉक्सो एक्ट बाकी सारे एक्ट से अलग कैसे है, यानी कि ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो इस स्पेशल एक्ट में अलग है। सो द फर्स्ट इज जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब कि ये एक्ट उन सारे बच्चों पे लागू होता है जो कि 18 ईयर्स से कम है। ये एक्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ को भी डिफाइन करता है, जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, और अकॉर्डिंगली ही ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख के पनिशमेंट भी डिसाइड करता है। थर्ड इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल पर्पसेस। ये एक्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग बट ओनली फॉर सेक्सुअल पर्पसेस को भी डिफाइन करता है, विच इज़ डिफाइंड इन द चैप्टर ऑफ अबेक। फोर्थ इज सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस। ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि पुलिसमैन एक एज अ चाइल्ड प्रोटेक्टर अपॉइंट हो और इन्वेस्टिगेशन चाइल्ड फ्रेंडली हो। फिफ्थ एंड द लास्ट इज स्पीडी डिस्पोजल। ये एक्ट एक स्पेशल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है पॉक्सो कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, एंड ये भी इंश्योर करता है कि जो भी केसेस इस एक्ट के अंडर रजिस्टर होंगे वो 1 ईयर में डिस्पोज हो जाए। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, क्यों इस एक्ट के अंदर इतनी हार्श पनिशमेंट दी जाती है, इस एक्ट के अंदर रिपोर्टिंग कैसे होती है, इस एक्ट का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।